राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब महज 12 दिन बचे हैं। नेता जमीन पर उतरकर लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में डोटासरा के विरोध में मोदी समर्थकों के नारे सुनाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि डोटासरा के पहुंचने से पहले वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक समूह पहुंचा, जिन्होंने डोटासरा के वहां पहुंचते ही मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस वीडियो में डोटासरा जूते पहने एक मंदिर में प्रवेश करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्हें भूल का एहसास तब हुआ जब उन्हें वहां मौजूद कुछ लोगों ने टोका। दरअसल विरोध को दरकिनार करते हुए डोटासरा वहां एक मंदिर के अंदर तो प्रवेश कर गए, लेकिन हड़बड़ाहट में अपने जूते मंदिर के बाहर उतारना भूल गए। मंदिर के भीतर कुछ कदम चले ही थे कि वहां मौजूद कुछ लोगों की नेताजी के इस भूल पर नजर पड़ी और उन्हें टोक दिया। इसके बाद डोटासरा को भी अपनी भूल का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने बाहर निकलकर अपने जूते खोलकर दोबारा मंदिर में प्रवेश किया। डोटासरा का ये वीडियो उनके चुनावी विधानसभा क्षेत्र सीकर के लक्ष्मणगढ़ का बताया जा रहा है। बता दें, लक्ष्मणगढ़ के प्राचीन श्री रघुनाथ जी के मंदिर में दीपावली पर धूप लगाने की परंपरा आज भी चली आ रही है, इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा भी मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। फिलहाल डोटासरा का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।